आज शाम 5 बजे होगी योगी कैबिनेट की पहली बैठक। किसानों की कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर फैसला संभव। कैबिनेट बैठक से पहले देर रात अधिकारियों ने दी सीएम के सामने प्रेजेंटेशन। शिक्षा से जुड़े 6 विभागों के सचिवों ने सीएम योगी के सामने दी प्रेजेंटेशन। योगी कैबिनेट के सभी मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आज केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से करेंगे मुलाकात। अयोध्या में म्यूजियम को लेकर दोनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा संभव। जीएसटी पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। सरकार को उम्मीद है कि यहां भी इन बिलों को पारित कराने में कठिनाई नहीं आएगी। हालांकि सरकार के सामने असल चुनौती राज्य विधानसभाओं से जीएसटी बिल को मंजूरी दिलाना है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट धमाके में 10 लोगों की मौत। 8 मेट्रो स्टेशन बंद। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम आतंकवाद सहित सभी पहलुओं की जांच करेंगे। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज मीट दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था। सरकार आज इस मामले में जवाब देगी। हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल किए जाने की अधिसूचना पर सरकार से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया है। संभल में सदर कोतवाली इलाके में पत्नी पर एसिड अटैक कर फरार हुआ पति। राहगीरों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद पर भाई को गोली मार दी। मौके पर भाई की जान चली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 8 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार कर ली गई। 24 मोबाइल फोन और नकदी इनके पास से बरामद हुई। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश मुतलीब गिरफ्तार। 2 पुलिसकर्मियों के साथ बदमाश को भी लगी गोली। कन्नौज के गुरसाईगंज इलाके में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। एमपी ट्रेन ब्लास्ट के तीसरे संदिग्ध सैयद मीर हुसैन के परिजनों से पूछताछ की गई। आरोपी मीर लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला का साथी है। गाजियाबाद में लापता 3 बच्चों की एक कबाड़ की दुकान में रखे ड्रम में लाश मिली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। शाहजहांपुर में प्रसाद खाने से 7 महिलाओं समेत 1 बच्ची बीमार हो गई। पीड़ितों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर का जिला टीबी हॉस्पिटल अंधेरे में है। भीषण गर्मी के बीच ही डॉक्टर इलाज करने को मजबूर है।